नमस्कार। ये देखिए जो बच्ची के जो बोन्स हैं, ये देखिए कैसे राउंड सी शेप में हो गई हैं। कलाइयाँ इसके लगभग गोल गोल सा शेप है, पैरों की भी शेप थोड़ी सी, ये देखिए ऐसी शेप है। अब एक बार मैं आपको गेट दिखाता हूँ इसका, कैसी गेट है, कैसी चाल है। चलो प्यारी गुड़िया इधर आओ, वेलकम वेलकम वेलकम, आओ। ये लो छोड़ दो आप, अच्छा पकड़ना ही पड़ेगा। ये लो ये लो ये लो ये लो, आप ले आओ, पकड़ के चला लो, पकड़ के चला लो। शाबाश शाबाश, आओ 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 आओ। इंडिपेंडेंट वॉकिंग में दिक्कत हो रही है इसे। ये देखिए चाल जो है ना इसकी, अभी इनसिक्योर गेट है इसका, ये मतलब इसको पूरा ये किसी भी पैर के ऊपर पूरा वजन नहीं डाल पा रही, वेट बेयरिंग नहीं कर पा रही गुड़िया, क्योंकि इसमें देखिए जब मैंने इसका एक्सरे करवाया तो एक्सरे में देखिए इसकी बोन्स की कपिंग एंड फ्रेइंग है, फ्रेइंग भी है, फीकापन भी है बोन्स पे, और कपिंग कप जैसे शेप हो गई है इसके जो एंड्स है, बोन्स के एंड्स हैं। तो इसमें काफ़ी विटामिन डी की कमी है, इसका 10 नैनोग्राम इसका लेवल आया जब हमने विटामिन डी का लेवल करवाया, तो 3-4 महीने से पेरेंट्स को लग रहा था कि इसकी हड्डियाँ की शेप थोड़ी सी सही नहीं है, अब तो चल लेना चाहिए, इसे चल नहीं पा रही, तो तब ये मेरे पास आए। तो अब मैंने जांच कराई आज इसकी, तो अब विटामिन डी की जब इनको पता लग गया कमी है, और जब मैंने पूरा किया तो उसमें अब इनको एश्योरेंस हो गया, मैंने कहा अभी ठीक हो जाएगी, समय देना पड़ेगा। एक्चुअली बेसिकली ये गुड़िया दूध ही दूध पी रही थी ज़्यादातर काफ़ी लंबे समय से, तो इसमें एनीमिया भी है, खून भी कम है इसमें, और डिफरेंट मिनरल्स की भी कमी है, कैल्शियम के अलावा भी फॉस्फोरस और बाकी भी मिनरल्स कम है इसमें। तो ऐसा अक्सर हो जाता है, लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि विटामिन डी केवल हड्डियों के लिए आवश्यक है, ऐसा नहीं है, हड्डियों के लिए तो आवश्यक है ही है, लेकिन वो सारी सेल्स जो बॉडी में डेली रिपीटेडली रिन्यू होती रहती हैं, उन सभी सेल्स के लिए विटामिन डी की आवश्यकता, हमारी स्किन के लिए भी, हमारे बाल, क्योंकि जब देखा गया कि विटामिन डी की कमी वाले बच्चों बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी, बच्चों में भी विटामिन डी की कमी है होती है, बड़ों में भी कमी होती है, अगर बड़ों में कमी होती है तो उनके बाल झड़ने लग जाते हैं, स्किन का ग्लो खत्म हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी बड़ी पुअर हो जाती है, और उनकी भी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, जिससे कि जरा सा गिरते ही फ्रैक्चर आसानी से हो जाए, और फिर वीकनेस होती है बहुत ज़्यादा, कमजोरी बड़ी महसूस होती है। और बच्चों में तो ये जो रिकेट्स के टिपिकल फीचर्स हैं इसमें, क्योंकि इसकी भी अभी ये चल भी नहीं पा रही, बच्चों की डिलेड वॉकिंग हो जाती है, बच्चे चल नहीं पाते समय से, ये बच्ची भी अभी चल नहीं पा रही, और जिसमें कि 1.25 साल के बच्चे चलने लग जाते हैं, तो 1.5 साल से भी बड़ी बच्ची अभी चल नहीं पा रही, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पाती। अक्सर पेरेंट्स हाइट के लिए दवाइयाँ लेते हैं लेकिन ये नहीं पता लगता कि विटामिन डी की कमी है, कुछ सोचते हैं कोई सुपर फूड मिल जाए हमें, सुपर फूड से हमारे बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी या उसकी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन पता ये लगता है बाद में टेस्ट मारने से कि इस बच्चे में तो विटामिन डी कमी है। देखिए कितना इनसिक्योर इसकी गेट है, कितना इनसिक्योर चाल है इसकी, तो ये जरा सा उससे गिर भी सकती है, अगर जरा सा भी इसको ये बैलेंस ना बना पाए, तो इसलिए विटामिन डी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पिछले 100 वर्ष पहले विटामिन डी की रिसर्च हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, आज से 100 साल पहले, तो जब से 200 सालों से पिछले 200-300 सालों से जब से लोगों ने ज़्यादा रूम्स में, कमरों में, बिल्डिंग्स में रहना शुरू कर दिया, और अब अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, करंट सिनेरियो में जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है पिछले 2 सालों में, लॉकडाउन के पीरियड में जो लोग घर के अंदर ज़्यादातर रहे हैं, तो इसमें एक्सपोजर बड़ा कम हुआ है। तो मैं अब बताता हूँ कि इसके 5 वे आउट क्या हैं, कैसे विटामिन डी पूरी हो और क्यों विटामिन डी हमारी कम हुई है, कैसे हम उसे पूरी करें। तो सबसे पहला तो है कि सबसे बड़ा सोर्स विटामिन डी का पूरी अर्थ के ऊपर है सनलाइट, इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन विटामिन। तो सनलाइट पूरी मिलनी चाहिए, कम से कम आधे घंटे की सनलाइट, जब हमारा 30% एरिया एक्सपोज हो, 30% एरिया हमारा खुला हुआ हो, तो उसमें स्किन के थ्रू ही अब्जॉर्ब होगी विटामिन डी, है ना, इसके प्रिकर्सर होती है, एक तरह का स्टेरॉइड हार्मोन है बॉडी के अंदर, तो इसकी फॉर्मेशन हमारी स्किन करती है, हमारे किडनी की भी हेल्प लेनी पड़ती है, हमारे लीवर की भी हेल्प लेनी पड़ती है, तो हमारी बॉडी की अगर ओवरऑल फिटनेस अच्छी रहेगी, अगर ओवरऑल फिटनेस, देखिए ये मेरी गुड़िया है सौम्या, तो सौम्या ये बचपन से ही बड़ा अच्छा, हम इसे सन का एक्सपोजर देते हैं, इसकी मालिश भी करते हैं और इसको धूप में भी लेके जाते हैं, और इसकी फिजिकल एक्टिविटी बड़ी अच्छी है, इसलिए इसकी विटामिन डी का लेवल हमेशा पूरा रहता है, कोई ऐसे फीचर नहीं होते। तो बच्चों को भी बड़ों को भी सन का एक्सपोजर आधे घंटे तो कम से कम मिलना ही चाहिए, या तो आजकल जैसे अब गर्मियाँ हैं तो सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में टाइम है, शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक के टाइम में सन का एक्सपोजर आधे घंटे का, 30% एरिया एक्सपोज ऐसे में हो तो उसे विटामिन डी की कमी नहीं होगी। गर्मी अगर सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में सुबह 10 बजे से लेकर और दोपहर के 3 बजे तक लगभग वो जो टाइम है वो भी बड़ा अच्छा होता है, उसमें धूप का एक्सपोजर मिलना चाहिए, सबसे बड़ा सोर्स होगा धूप का एक्सपोजर। दूसरा है कि डाइट में ऐसे हमें भोजन लेना है जो कि विटामिन डी के जो प्रिकर्सर्स होते हैं,
जिनसे विटामिन डी बनेगी हमारी स्किन के अंदर, तो उसका रॉ मटेरियल तैयार करनी है, जैसे डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का ऑप्टिमम यूज होना चाहिए। लेकिन लेकिन अब ये देखिए एक लाइव एग्जांपल है हमारे पास में, अगर हम बहुत ज़्यादा दूध देंगे बच्चे को, ये लोग दूध काफ़ी देते थे बच्चे को, उस चक्कर में बच्चा फिर बाकी खाना खाना नहीं सीख पाता, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो दूध या दूध से बनी चीज़ें आवश्यक भी हैं, लेकिन हरी सब्जी, खिचड़ी, दलिया, रोटी, दाल ये भी दें। अगर ये बच्चे शुरू से ही सारा संतुलित भोजन ले रही होती तो इसमें विटामिन डी की कमी नहीं होती। अब मैंने इनको बता दिया, अब ये लोग बड़ी अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, ये लोग समझ गए अच्छी तरह से कि हाँ हमें सभी तरह की चीज़ें देनी है। तो दूध मैंने बोल दिया इनको कि केवल एक बार ही दें, एक साल से बड़े बच्चा दूध दिन में एक बार ले ले तो उसे काम चल जाएगा, लेकिन फिर सारी बाकी चीज़ें भी ले बच्चा, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से सारा भोजन भी मिले। बाकी फॉर द टाइम बिंग हमें शुरुआती एक बच्चे की मालिश करें तिल के तेल से, बड़ी अच्छी तरीके से मालिश करें बच्चे की। मैं तो सारे पेरेंट्स को बताता हूँ, इनको तो मैंने मालिश करके भी दिखाई, ये जो तिल का तेल है देखिए, बड़ा अच्छा क्वालिटी का तिल का तेल हो, उससे अगर मालिश करें थोड़ा सा नवाया करके, तिल के तेल को थोड़ा सा गर्म करके अगर मालिश करेंगे तो उससे फिर विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की शक्ति आ जाती है स्किन में। तो मालिश भी करें खूब अच्छी तरह से। बाकी शुरुआत में हमें सप्लीमेंट्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है, जब क्योंकि इतना सीरियस इसमें कमी है विटामिन डी की, इतना सीवियर कमी है। तो अगर 30 से लेके 50